अरे घर पे कोई नहीं है। और बेटा? अंकल पापा मार्केट गए हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, इंतजार कर लेंगे उनका। वो आपको वहीं मिल जाएंगे ना, मैं उनको बोल देती हूँ रुक जाएंगे। क्यों तकलीफ कर रही है? कहाँ नौकरी करते हो? नोएडा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बेटा पैकेज कितना होगा? अंकल ठीक मिल जाता है, सही है वैसे। बताओ ना थोड़ा ढंग से बताओ, थोड़ा आजकल के बच्चों की नहीं आदत बहुत है सैलरी छिपाने की। 2 लाख पर मंथ। 2 लाख रुपए महीना? 30 दिन वाला महीना? हाँ 30 डेज। क्या बात है बेटा, ये तो बड़ी अच्छी रकम है। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, खूब तरक्की करो। अंकल बस उसमें कुछ टैक्स वगैरह कट के ना 175 मिलती है। 1,75,000 रुपये? बेटा रकम तो ये बहुत अच्छी है ना। हमारे टाइम पे तो मतलब आज के टाइम की अगर बात करी जाए तो 3-3 परिवार पल जाएंगे इसके अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब, बहुत बढ़िया। वो आपको तो पता है ना हम लोगों की ख्वाहिशें क्या क्या रहती हैं, तो 175 में हो नहीं पाता। ऊपर से उसमें PF का भी कट जाता है, तो उसको कटने के बाद 1.5 लाख बन जाता है। 1.5 लाख रुपये? तुम्हें पता है 1.5 लाख रुपये कितना होता है? पहले 1 लाख की गड्डी रखो, फिर 50,000 की गड्डी रखो, कुल मिला के 1.5 लाख रुपये होता है। नहीं, आप सही कह रहे हो। अंकल 1.5 लाख में ग्रेच्युटी वगैरह भी कटता है ना, तो वो 1 लाख हो जाता है फिर। 1 लाख रुपया महीने का? अरे बहुत है, बहुत है। अंकल मैं समझ रही हूँ बहुत होता है, बट इसमें फिर हमारी चीजें नहीं आ पाती। ऊपर से 1 लाख में फिर मेडिकल भी तो कटेगा ना, उसमें भी तो ट्रैवल का काट लेते हैं, कट कुट के 25 हो जाता है वो। लंच का भी काट लेते हैं ना, तो कट के 15 होते हैं। 15 भी मिल रहा होता तो सही था, 15 में से भी पार्किंग का पैसा काट के 10,000 हो जाता है। पार्किंग का भी काट लेते हैं। 10,000 रुपया? थोड़ा सा बस हाथ टाइट रख अपना। 10,000 भी मिलते तो गुजारा हो जाता। पार्टी और आउटबाउंड के नाम पे 2,000 काट के 8,000 देते हाथ में। 8,000 मिलता मुझे। हेलो लग गई, थैंक यू। अगर मेरी नई जॉब लग गई। कितना? 3 लाख रुपए महीना। 3 लाख रुपए महीना? बेटा कट कुट के 12 आएंगे ना, 12 भी बहुत होते हैं। मांग हिम्मत नहीं हारनी।